सो गाइस, आप लोगों को नूट वीडियो कॉल स्कैम के बारे में तो पता होगा, जिसमें एक अननोन लड़की व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर आपके इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करती है और अपने कपड़े को उतारने लगती है। उसके बाद बोलती है कि आप भी अपने कपड़े को उतारो। उसके बाद वो क्या करती है, उसी वीडियो कॉल का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है एंड वही वीडियो आपको सेंड करती है एंड बोलती है कि ये वीडियो अब मैं आपके फेसबुक का जितने भी फ्रेंड है सबको सेंड कर दूंगी एंड ये वीडियो आपके फैमिली मेंबर को सेंड कर दूंगी एंड ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दूंगी। इस तरीके से डरा धमका कर लोगों के साथ बहुत बड़ा बड़ा फ्रॉड हो रहा है गाइस। एक्चुअली गाइस, ये स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहा है एंड आज गाइस, आज आपके भाई के साथ ही एक रिया मिश्रा नाम की लड़की ने स्कैम करने की कोशिश किया, यानी कि मुझे उसके चाल में फंसाने की कोशिश किया है। एक्चुअली गाइस, क्या हुआ था, कल कल ऑलमोस्ट 2:30 को मुझे एक रिया मिश्रा नाम की लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया एंड मैंने सोचा कि शायद मैं इसे पहचानता हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद देखिए यहाँ पर उसने मुझे क्या टेक्स्ट करना स्टार्ट किया। हाय, इसने बोला, मैंने हेलो कौन, ये बोली कि मैं आपकी फेसबुक फ्रेंड। मैंने बोला ओके, क्या कर रहे हो पूछा, मैंने बोला कुछ नहीं। बोला कि मतलब फ्री हो क्या, हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, उसके बाद मैंने सीधा किया क्या पता है, डायरेक्ट गया उसके फेसबुक अकाउंट पे एंड जाके देखा कि अरे ये तो एक फेक अकाउंट है, यानी कि ये एक नूट वीडियो कॉल करने वाले स्कैमर है, मुझे पता चल गया। उसके बाद क्योंकि गाइस, यहाँ पर जब मैंने इसका फेसबुक खोला, यहाँ पर इसने खाली अपना एक प्रोफाइल फोटो रखा है, बाकी कुछ भी फोटो अपलोड नहीं किया, यानी कि एक फेक अकाउंट बना के रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि वीडियो कॉल पे क्यों बोला, इसने बोला वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देख कर बात करेंगे तो मजा लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए, मैं तभी समझ गया था। तो ये एक्चुअली कल शाम को टैक्स हुआ था। मैंने बोला व्हाट, क्या करेंगे, मैंने पूछा, क्योंकि वीडियो कॉल पे बात करने को क्या दिक्कत है, चलो ना मुझे आपको देखना है, यानी कि वीडियो कॉल पे बात करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी। तो मैंने बोला ओके कॉल में, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे वीडियो कॉल करना स्टार्ट किया, मुझे पता चल गया ये स्कैमर है, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया इसको। उसके बाद इसने क्या बोला कि क्या हुआ, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो, या प्लीज रिसीव करो ना, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है एंड इस तरीके का इमोजी सेंड करके मुझे अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने सोचा कि अगर ये स्कैमर है तो हम कल स्टूडियो में जाएंगे एंड लाइव इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगभग 2-3 घंटा से वेट कर रहा हूँ कि कब ये ऑनलाइन आएगी, तभी मैं वीडियो बनाऊं एंड फाइनली ऑनलाइन आ चुकी है। देखिए, मैं अभी इसको जस्ट हेलो सेंड करता हूं एंड ये मुझे तुरंत रिप्लाई देगी, ठीक है। तो गाइस, ये रिया मिश्रा नाम की लड़की मुझे फंसाना चाहती है। मैं अभी लाइव आप लोगों के सामने इसके साथ बात करूंगा एंड तो देखते हैं कि वीडियो कॉल करती है एंड करने के बाद क्या करती है, किस तरीके से ये मुझे अपने चाल में फंसाती है, पूरा कुछ मैं आप लोगों के सामने लाइव एक्सपोज करूंगा। स्क्रीन रिकॉर्ड तो आप लोग देख ही रहे हो, साइड में पूरा लाइव में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अभी इसके साथ कुछ टैक्स करते हैं एंड देखते हैं ये वीडियो कॉल करती है तो क्या करती है, उसके बाद क्या होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड अगर आप एक फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो प्लीज गाइस अलर्ट रहना आप लोगों को, क्योंकि इस तरीके के स्कैम में काफी सारे लोग फंस रहे हैं। एंड गाइस, फंसने के बाद क्या होता है, पता है, पूरा अकाउंट ये लोग साफ कर देते हैं डरा धमका कर। बहुत बड़ा स्कैम है, सुनने में आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा बट बहुत बड़ा स्कैम है, आइए मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इसे कुछ टैक्स करता हूं, मैं इसे बताता हूं कल के लिए सॉरी, कल के लिए सॉरी। एंड अगर ये स्कैमर है तो देखना ये डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल करके, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। एंड वीडियो कॉल करने के बाद क्या होगा आगे, क्या करेगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग लाइव देखिए। इसने बोला कि हाँ मैंने बहुत वेट किया, कल आप ऑफलाइन हो गए। हाँ, मैं ऑफलाइन हो गया था। तो उसके बाद इसने ये सारा कुछ टैक्स किया जो कि मैंने आज सुबह ही देखा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं इसको बोलूंगा कि अभी मैं फ्री हूँ, अगर आपको वीडियो कॉल करना है तो कॉल करो।
अगर ये स्कैमर है ना गाइस, तो वीडियो कॉल करके डायरेक्ट कपड़े को उतारने लग जाएगी, देखना देखना कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रही है, किस तरीके का ये इमोजी सेंड कर रही है, इस तरीके का इमोजी सेंड करके मुझे अपने चाल में फंसाना चाहती है। और मैसेंजर इसका वीडियो कॉल भी आ गया, देखिए इसका तुरंत कॉल भी आ गया, एंड तो देखते हैं कॉल रिसीव करने के बाद ये क्या करती है। हेलो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रिया मिश्रा, ओह शिट। हेलो रिया मिश्रा, आपका वॉइस तो कुछ भी नहीं आ रहा है, प्लीज ये सारा चीज़ मुझे नहीं देखना है, आप प्लीज़ बात कर सकते हो मुझे, ये क्या दिखा रही हो, ये सब मुझे नहीं देखना है बोला तो इसने तुरंत फोन को काट दिया। एंड अभी कुछ मैसेज टाइप कर रही है, कुछ बोलेगी, आप इतना हैंडसम हो, किस तरीके से फंसा रही है आप लोग देखिए, एंड फिर से कुछ टाइप कर रही है। गाइस इस तरीके का स्कैम में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। अगर ये वीडियो मैंने अपलोड करने के 3-4 दिन बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जाके कमेंट्स पर हो, आप लोगों को पता चल जाएगा कितने लोग फंस रहे हैं। एंड मेरे ही वीडियो पे इतना लोग फंस रहे हैं, कमेंट्स कर रहे, तो इंडिया में कितने करोड़ यंग लोग हैं, कितने लोगों के साथ स्कैम होता होगा, बहुत बड़ा स्कैम है। आप भी अपने कपड़े उतारो ना, मजा आएगा, आप भी अपने कपड़े को उतारो ना, मजा आएगा। यानी कि आप लोग समझ रहे हो इसका स्कैम क्या है, अगर मैंने कपड़े को उतार दिया तो इसके चाल में मैं फंस जाऊंगा, जो आप लोगों को कभी नहीं करना है, फिर भी मैं इसको बोलता हूँ कि ठीक है ओके। तो गाइस ये फर्स्ट गलती आपको कभी भी नहीं करना है, मान लो अगर आपने कपड़े को उतार दिया तो आप भी स्कैमर के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे। अगर आपने मान लो अगर ये वीडियो आपके फ्रेंड फैमिली को सेंड कर दिया इसने, अगर आपने कपड़ा उतारा है तो आप फंस जाओगे, अगर आपने कपड़ा नहीं उतारा तो आप अपने फैमिली मेंबर को बोल सकते हो कि इसने डायरेक्ट मुझे कॉल किया था एंड मैंने तो रिसीव कर दिया, मैसेंजर मुझे तो पता वीडियो नहीं था ये कपड़े उतार रही है, तो इस तरीके से आप समझा सकते हो। फिर से वीडियो कॉल किया एंड देखते हैं। हेलो हेलो रिया मिश्रा, बात कर सकती हो? अरे ये सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ये सब मत दिखाओ ठीक है। हेलो सुनाई दे रहा है क्या? कॉल को म्यूट करके रखा है और क्या दिखा रही है ये? हेलो काट दिया। एक्चुअली देखो अगर आपने फोन को रिसीव किया और आपने अपने कपड़े को उतारा, चाहे वो 5 सेकंड के लिए हो, चाहे 10 सेकंड के लिए हो, चाहे वो 20 मिनट के लिए हो, आप फंस गए ठीक है, तो कपड़े को आपको नहीं उतारना है। एंड इन लोगों का मकसद है कि चाहे 5 सेकंड हो, 10 सेकंड भी, आप लोगों का कपड़ा उतारने के लिए जबरदस्ती करते हैं। अगर उतार लिया वही इन लोगों का मकसद है, एंड इसके चाल में आप फंस जाओगे। मान लो अब अभी ये क्या करेगी पता है, वो जो मैंने वीडियो कॉल पे बात किया था उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करेगी एंड वही वीडियो मुझे सेंड करेगी एंड बोलेगी पूरा मेरा फेसबुक का जितने भी मेरा फ्रेंड है ना उसका स्क्रीनशॉट भेजेगी एंड बोलेगी ये सारा फ्रेंड को मैं ये वीडियो सेंड करने वाला हूँ, आपके फैमिली मेंबर को सेंड करने वाला हूँ, एंड ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दूंगी। इस तरीके से डराएगी। एंड ये लोग पहले ज्यादा अमाउंट नहीं मांगते, पहले 2,000 3,000 5,000 तक मांगते। अगर मान लो ये सेकेंड गलती, अगर मान लो आपने एक बार इसको पैसा दे दिया तो ये जान जाएगी कि आप डर रहे हो एंड इसके चाल में आप फंस चुके हो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट को बढ़ाएगी, यानी कि जब तक आपके अकाउंट में पैसा है, जब तक आपका अकाउंट से पैसा पूरा खाली नहीं होगा, तब तक ये लोग आपको डरा धमकाकर लूटते रहेंगे। एंड गाइस इंडिया में खाली एक स्कैमर नहीं है, बहुत सारे स्कैमर हैं इंडिया पे ठीक है।
एंड ये तो एक स्कैमर है, इंडिया में बहुत सारे स्कैमर है। सो आप लोगों को बच के रहना है। एंड अभी ये क्या करती है देखते हैं। एंड यहाँ पर अभी उसने मुझे एक मैसेज किया, मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं आपकी फैमिली फ्रेंड एंड सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी। मैंने क्या बोला था, इस तरीके से ही ये लोग स्कैम करते हैं। अभी फिर इसने मैसेज किया, अगर ये वीडियो डिलीट करना है तो 5,000 सेंड करो मेरे अकाउंट पे। अगर मान लो मैंने इसको 5,000 ट्रांसफ़र किया तो ये वीडियो को कभी भी डिलीट नहीं करेगी, फिर से और पैसा मांगेगी, यानी कि जब तक है तब तक पैसा मांगते ही जाएगी। तो आपको पैसा चाहे एक पैसा भी सेंड नहीं करना है, अगर आपने सेंड कर दिया तो आप फंस गए, जब तक अकाउंट में है तब तक लूटेंगे ये लोग, ठीक है। एंड इसका क्या गारंटी है, मान लो आपने 5,000 दे दिया एंड वीडियो डिलीट कर देगी, फिर से आपको डरा धमका कर पैसा लूट सकती है। तो यही है। और गाइस देखिए, पहला गलती तो मैंने बता दिया, आप लोगों को कपड़ा नहीं उतारना है। सेकंड गलती, आप लोगों को अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करना है आपको, ठीक है। एंड और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ गाइस कंप्लेन कीजिए, आपके सामने जो पुलिस स्टेशन है उस वहाँ पर जाकर कंप्लेन कीजिए, साइबर क्राइम पर कंप्लेन कीजिए ऑनलाइन। तो मैं इसे फिर इसने अभी 10 मिनट पे सेंड कर दो, अभी 10 मिनट में सेंड कर दो मेरी 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 अकाउंट पे, यूट्यूब में तुम्हारा वीडियो पूरा वायरल कर दूंगी। गाइस ये लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले। एक तो इस तरीके का वीडियोस किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं डरना है आप लोगों को, कुछ भी हो जाए आप लोगों को नहीं डरना है, इन लोगों को जो करना है करने दो, बस इन्हें ब्लॉक करो आप आगे बढ़ो। बहुत लोग डर जाते हैं, डर के अपना पूरा सेविंग गवा देते हैं। सो ये सारा चीज़ नहीं करना है, अभी वही करेगी ये, जब तक मैं इसे पैसा ट्रांसफ़र नहीं करूँगा तब तक ये मेरे साथ पैसा मांगते ही जाएगी, मुझे डर खिलाएगी, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाला जैसा स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेगी गूगल से डाउनलोड करके, ठीक है। पूरा बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं। सो अलर्ट रहना, अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड बहुत सारे डेटिंग ऐप भी होता है इस तरीके का एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो प्लीज़ किसी भी अननोन लड़की अगर आपको वीडियो कॉल करती है, चाहे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर मान लो आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, उससे पहले आपको अकाउंट पे जाके देखना है कि ये फेक अकाउंट है कि रियल अकाउंट है। आप लोगों को अलर्ट रहना है इस तरीके का स्कैम से। एंड मेरा मकसद था आप लोगों के साथ एक्सपोज करना, जो मैंने कर दिया। एंड मैं आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यंग लोग ही ज़्यादातर इस स्कैम में फंस रहे हैं।